I have full faith in the ED and I'm sure that they will hear Rohit's side. He has come. We are going to completely cooperate with all the agencies because we really have nothing to hide. तो बहुत सारे फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूंगा। तो क्या कहीं ना कहीं टैक्टिक्स है प्रेशर करने की, जिस तरह से लगातार ईडी के नाम पे ऑपोजिशन लगातार आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकली अगर साथ में शामिल हो गई है ईडी? अगर आप ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूंगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए, मैं मराठी मानुस हूं, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अरेस्ट भी कर लेते हैं नवाब मलिक के बारे में। किसी बार भी देखा काफी लीडर्स को बुलाया जाता है। देखो, ऐसे लोगों को लग रहा है कि वहां पे शायद अरेस्ट भी हो सके। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं, मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूं, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। लेकिन अगर जो भी वो उनके प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे, फिर हमको न्याय व्यवस्था जो है कोर्ट उसके माध्यम से रिलीफ लेना पड़ेगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। वेल, आई कैनॉट कॉमेंट ऑन इट फॉर द रीजन दैट आई एम गोइंग बाय डेटा and I think data always speaks for itself. And in Lok Sabha, in Parliament, there was a reply given by the Government of India, which also has come on several channels like yours, as well as in several newspapers, that 95% cases of ICE means Income Tax, CBI and ED, are on people who are in the opposition party, which is not something I am making an allegation. This is data that has come to our knowledge through the High Office of Parliament. So I think once that data has been cleared by Government of India and Parliament, which is the supreme body in this country, there's very little left for me to say or comment.